अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स गैर महरम को हाथ लगाए तो उसकी सज़ा क्या होना चाहिए, उसके साथ क्या करना चाहिए, ये देखिए वीडियो और फिर बताइए। सबसे पहले आपका नाम बताइए। सुफिया। सुफिया सुफिया सुफिया। ओके ओके। आपका? छीना। ओके। आप लोग को बाइक्स में इंटरेस्ट है, सुपर बाइक्स में? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स किसी गैर महरम को हाथ लगाए, सिर्फ हाथ लगाए, इससे बेहतर है कि उसके सर में लोहे की कील ठोंक दी जाए, उसका अजाब जो है वो कम है कील ठोकने का, लेकिन इसका जो अजाब है उससे बढ़कर होने वाला है। बोले औज़ु बिल्लाहि तआला। तो इसलिए ये इन चीजों को मामूली नहीं समझना चाहिए और सीरियस इन चीजों को लेके अपने किरदार के अंदर इस्लाह पैदा करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको इस चीजों से बचाए, बेशक बचाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले ये वीडियो देखें और इस्लामिक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। अगर आप इस्लाम से प्यार करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत लोग पूछते हैं कि हम अल्लाह ताला को तू और नबी को आप क्यों कहते हैं जबकि अल्लाह तो सबसे बड़ा है, फिर ऐसा क्यों? देखिए, अल्लाह को तू इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्लाह की जात एक है। तू से जाहिर होता है कि अल्लाह वाहिद है, उसका कोई माबूद नहीं है। और नबी को आप इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर दुनिया में दीन फैलाने, इसीलिए सभी का शुक्र और मेहनत है। आप से जाहिर होता है बहुत सभी और तू सिर्फ एक यानी कि अल्लाह। अब आप कमेंट में बताएं कि किस किस को पहले से ये मालूम।